गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जानेंगे व्यस्तता के बारे में। एक सामान्य व्यक्ति अपने जीवन का 70% से अधिक भाग व्यस्त के रूप में व्यतीत करता है। किशोरावस्था से अगली अवस्था को व्यस्क अवस्था के रूप में जाना जाता है और व्यस्त अवस्था के बारे में कई मनोवैज्ञानिकों ने अपने विचार दिए हैं, जिसमें सबसे पहला और एक इम्पॉर्टेंट जो विचारधारा है वो है लेविनसन की। लेविनसन ने अपनी थ्योरी में जीवन संरचना नाम के एक संप्रत्यय का उल्लेख किया है, जिसका संबंध किसी समय विशेष में व्यक्ति के जीवन के प्रतिमानों तथा स्वयं के जीवन के अर्थ व स्वरूप के बारे में होता है। जीवन संरचना में कार्य व परिवार अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और एक व्यक्ति व्यस्क वर्षों के दौरान विभिन्न जीवन संरचनाएं रखता है। ये जीवन संरचनाएं 5 वर्ष लंबी संक्रमण अवधियों के माध्यम से एक दूसरे में प्रवेश पाती हैं। ये जो जीवन संरचना का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि किस तरीके से एक अवस्था से दूसरी अवस्था में संक्रमण होता है, यानी व्यक्ति एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश पाता है, वो किस तरीके से अनुकूलन करता है और योजना बनाता है, उसका पहले का जीवन वर्तमान से और वर्तमान जीवन भविष्य से किस प्रकार संबंधित होता है। तो अब हम देखेंगे कि लेविनसन के हिसाब से ट्रांजिशनल फेसेस कौन कौन से हैं। उन्होंने जो थ्योरी दी है उसके हिसाब से जो प्रथम संक्रमण है वो पूर्व वयस्क काल तथा प्रारंभिक वयस्क अवस्था के बीच होता है और यह 17 से 22 वर्ष की अवधि के बीच में होता है। इसमें व्यक्ति आर्थिक तथा संवेगात्मक स्वतंत्रता प्राप्त करता है। वह अपना स्वतंत्र निवास स्थान स्थापित करने की कोशिश करता है तथा अपने आप पे निर्भर होने की एफर्ट्स करता है। जब व्यक्ति पहले संक्रमण को पूर्ण कर लेता है तब वह दूसरी अवस्था में प्रवेश पाता है और इस समय 30 ईयर्स की स्टेज पे वो लगभग एडल्ट वर्ल्ड में प्रवेश पा लेता है और इस समय व्यक्ति पीछे ना खड़े होने की स्थिति में खड़े होते हैं। प्रारंभिक व्यस्त अवस्था के बाद व्यक्ति मिड लाइफ ट्रांजिशन में प्रवेश पाता है और ये आयु 40 से 45 वर्ष की आयु के बीच में व्यक्ति इसका अनुभव करते हैं और ये वो समय होता है जबकि व्यक्ति पहली बार मोर्टैलिटी के बारे में सोचते हैं, मृत्यु के बारे में सोचने लगते हैं। उन्हें लगता है कि हमारे बाद क्या होगा, तो इस समय उनमें जिम्मेदारियां सारी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर होती है और अलग प्रकार का तनाव इस समय वो अनुभव करते हैं। अगला संक्रमण जो होता है वो 50 से 55 वर्ष की आयु के बीच होता है। इस संक्रमण अवधि में व्यक्ति अपनी जीवन संरचना को दोबारा से चेंज करने का विचार करते हैं। इस समय वो कोई नई भूमिका अपना सकते हैं और साथ ही साथ उनका फैमिली ग्रोथ भी हो रही होती है, उनके बच्चों की मैरिजेस हो जाती है, तो उनके माता पिता के साथ साथ दादा दादी की भूमिका भी वो लोग निभाने लगते हैं। जो लास्ट जो ट्रांजिशन लेविनसन ने बताया है वो लेट एडल्ट ट्रांजिशन होता है। इस समय व्यक्ति रिटायर हो चुका होता है और इससे इसके बाद होने वाले परिवर्तनों के बारे में व्यक्ति सोचने लगता है। एडल्टहुड को सोसाइटी में सोशल क्लॉक स्टेज के रूप में भी जाना जाता है। ये एक ऐसी सामाजिक घड़ी है जब ये तय है कि सभी समाज में मैरिज, पेरेंटहुड एंड रिटायरमेंट की अवस्था पाई जाएगी। ये बात अलग है कि अलग अलग संस्कृति में ये टाइमिंग थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है, थोड़ा परिवर्तन हो सकता है, लेकिन व्यस्क अवस्था ही वो स्टेज है जब व्यक्ति का विवाह होता है, वो माता पिता बनते हैं और एक समय के बाद, एज के बाद रिटायरमेंट होता है। लगभग सभी सोसाइटीज में इसके लिए एज लिमिट निर्धारित है और इसे बेस्ट टाइमिंग फॉर सर्टेन लाइफ इवेंट्स कहा जाता है।
अध्ययन की सुविधा के लिए हम एडल्टहुड को तीन भागों में बांट सकते हैं, तीन सेक्शंस में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है अर्ली एडल्टहुड, ये आता है 20 से 35 साल की उम्र के लिए। दूसरा मिडिल एडल्टहुड, ये लगभग 36 से 64 साल की आयु वर्ग के व्यक्तियों को इसमें रखा जाता है। और लेट एडल्टहुड 65 से ऊपर, ये एक रफ क्लासिफिकेशन है। इस दूसरी बुक्स में आपको इसमें एज में थोड़ा बहुत चेंजेस मिल सकते हैं। अभी हमने लेविंसन की थ्योरी के बारे में पढ़ा, इसके बाद एक जो बहुत महत्वपूर्ण विचारधारा आती है वो है एरिक्सन की। एरिक्सन ने अपनी एट स्टेजेस साइकोसोशल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है, और उनके हिसाब से जो हमारा आयु वर्ग है सभी का एक अपना अलग साइकोसोशल डेवलपमेंटल टास्क होता है। उनकी जो थ्योरी है उसकी लास्ट की चार स्टेजेस जो हैं वो एडल्टहुड से डील करती हैं, और उसके हिसाब से इन ईयर्स में व्यक्ति के सामने जो जो इश्यूज आते हैं वो इस प्रकार हैं। एडोलेसेंस हम देख चुके हैं, एडोलेसेंस में जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन रहता है, यानी ये वो समय है जब एक किशोर अपनी आइडेंटिटी तय करने में लगा होता है, वो अपने आप को सुधारने में, अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय करने में लगा होता है, और समाज के साथ एक समायोजन में बिजी होता है। और यदि वो अपनी आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता तो उसमें कंफ्यूजन उत्पन्न होता है। नेक्स्ट जो स्टेज आती है वो यंग एडल्टहुड, जिसकी हम अभी बात करेंगे, 20 से 40 की। देखिए अब यहीं पर अंतर आ जाता है, एरिक्सन ने यंग एडल्टहुड 20 से 40 साल तक बताया है, और इस समय जो इशू एक व्यक्ति के सामने आता है वो होता है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। इंटीमेसी अपने साथियों से, अपने परिवार से, सबसे पहले अपने जो स्पाउस है वो इंटीमेसी का इशू रहता है, और यदि व्यक्ति अपने परिवारजनों से प्रेम की प्राप्ति नहीं कर पाता, क्लोज रिलेशनशिप डेवलप नहीं कर पाता, तो वो आइसोलेटेड फील करता है। दूसरी जो स्टेज जो हमें आज डिस्कस करनी है वो है मिडिल एडल्टहुड की, मध्य वयस्क अवस्था की, जिसमें जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन इशू व्यक्ति के सामने आता है। ये वो समय है जब मिडिल एजेड व्यक्ति ये सोचने लगते हैं कि हमने संसार को क्या दिया है, हमने सोसाइटी को क्या दिया है अपने परिवार और अपने काम के जरिए। यदि उन्हें लगता है कि मेरा जो जीवन है वो सार्थक है तो उनमें एक पॉजिटिव फीलिंग आती है, नहीं तो वो एक उनमें नकारात्मकता की भावना देखने में आती है, वो समाज से अलग थलग पड़ जाते हैं। लेट एडल्टहुड, जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, इसमें जो इशू व्यक्ति के सामने आता है वो होता है इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपीयर का। अब हम बात करते हैं कि अर्ली एडल्टहुड में कौन कौन से शारीरिक विकास होते हैं। एक सामान्य व्यक्ति में किशोर अवस्था में शारीरिक विकास पूरी तरीके से हो चुके होते हैं, और इस समय एडल्ट्स में ये स्टेज अपनी चरम सीमा पर होते हैं। एक जो एडल्ट होता है उसमें शारीरिक शक्ति और क्षमता चरम सीमा पर होती है, और यदि देखा जाए सामाजिक रूप से ये हेल्दी प्रेगनेंसी और बर्थ का टाइम होता है, क्योंकि इस समय शरीर पूरी तरीके से डेवलप हो चुका होता है। दूसरा जो फैक्टर आ जाता है इस अवस्था में, जो लाइफस्टाइल डिसीजेज हैं, जो एक गलत लाइफस्टाइल अपनाने की वजह से होने वाली जो समस्याएं हैं वो इस समय नहीं दिखाई पड़ती, ये बाद के पीरियड में देखने में आती है। और फिर हम बात करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, संज्ञानात्मक विकास का। जहां तक बात आती है संज्ञानात्मक विकास की, किशोर अवस्था में ब्रेन का पूरा डेवलपमेंट हो चुका होता है, और इस समय बौद्धिक क्षमता के मामले में एक वयस्क व्यक्ति पूरी तरीके से पीक पर होता है। यंग एडल्ट्स अभी भी सीखने की स्टेज में होते हैं, और वो आसानी से नई स्किल सीख सकते हैं और नई सूचनाओं का भंडारण कर सकते हैं। इसके अलावा एडल्ट्स जो जटिल समस्याएं होते हैं उनके बारे में भी सोच सकते हैं, उनके नकारात्मक सकारात्मक पहलुओं के बारे में सोच सकते हैं, और समस्या के बारे में
अमूर्त चिंतन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंटल टास्क। जैसे ये हमने अभी पिछले चार्ट में भी देखा था कि इस समय अर्ली एडल्टहुड में इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन इशू व्यक्ति में पाया जाता है। व्यक्ति की अपनी आइडेंटिटी एस्टैब्लिश हो चुकी होती है लेकिन अभी प्रारंभिक अवस्था में होती है। जो यंग एडल्ट्स होते हैं वो अपने जैसे साथियों के साथ संबंध बनाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ एसोसिएटेड होने की कोशिश करते हैं, और पर जो उनके रोमांटिक रिलेशनशिप है वो डेवलप करते हैं जो बाद में फैमिली का रूप लेती है। इसके अलावा समाज के अन्य सदस्यों के प्रति कमिटमेंट भी करना यंग एडल्ट सीख जाते हैं, और अब तक उनमें पूरी तरीके से रिलेशंस में विश्वास करना और उनको आ जाता है। नेक्स्ट जो डेवलपमेंट हम देख रहे हैं वो है सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, और ये बेस्ड है कोलबर्ग की नैतिक विकास थ्योरी पर। इस समय जो एक व्यक्ति का सामाजिक विकास है वो कन्वेंशनल स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग में होता है अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग। यानी एक जो व्यक्ति है, एक अर्ली एडल्ट जो है, वो नैतिकता के जो तौर तरीके हैं समाज के उनको इंटरनलाइज कर लेता है, उनको आत्मीकरण कर लेता है और समाज के नियमों के हिसाब से चलता है और सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करता है। लेकिन इसके साथ ही फर्दर भी उसका डेवलपमेंट हो सकता है। ये थोड़ा लेट स्टेज में भी हो सकता है और अर्ली स्टेज में भी डेवलप हो सकता है, जिसमें व्यक्ति सही और गलत को समझने लगते हैं, मॉरली राइट एंड रॉन्ग को समझने लगते हैं और उनका अपना एक कॉन्शियस डेवलप हो चुका होता है। इसके लिए उन्हें समाज के नियमों को टटोलने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो ये खुद डिसाइड करते हैं कि ये चीज गलत भी हो सकती है। नेक्स्ट जो विशेषता अर्ली एडल्टहुड में देखने में आती है वो है रिलेशनशिप स्किल्स कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी का मतलब हो जाता है कि आप ऐसे व्यक्तियों के साथ ऐसी सिचुएशन डेवलप करना, ऐसा कॉम्बिनेशन डेवलप करना जिसमें पार्टनर्स फिट हो सके। ये कॉम्बिनेशन सामाजिक, संवेगिक और फिजिकल, यानी एक तरीके से हम ये कह सकते हैं दूसरे व्यक्तियों के साथ एडजस्ट करना व्यक्ति को आने लगता है। इसके अंदर कई फैक्टर्स आ सकते हैं, फिजिकल अट्रैक्टिवनेस भी आ सकती है, हॉबीज भी आ सकती है, सेम लाइफ गोल्स भी आ सकते हैं, सेम इंटेलिजेंस, यानी कि व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के साथ रहना पसंद करता है जो कि जिसके साथ वो फिजिकल कंपैटिबल हो। यहाँ पर हर एक तरीके का स्तर व्यक्ति मैच करने की कोशिश करता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है, ऐसा भी देखने में आता है कि ऑपोजिट अट्रैक्ट। ऐसा नहीं कि हमेशा हम समान विचारधारा वाले या समान शारीरिक मानसिक स्तर वाले व्यक्ति के साथ कंपेटेबल हों, कई बार जो बिल्कुल हमारे विरोधी विशेषताएं रखते हैं उन व्यक्तियों के साथ भी व्यक्ति जो है वो कंपेटेबल फील करता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये मेरी कमियों की पूर्ति कर रहा है। नेक्स्ट जो विशेषता है या चरण हम कह सकते हैं वो है एडजस्टिंग टू रोल्स एंड फाइंडिंग हैप्पीनेस। इस समय व्यक्ति की मैरिज हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको बताया जैसे ये 20 से 40 साल की उम्र है, ऑलमोस्ट ज्यादातर एडल्ट्स मैरिड स्टेट में पहुंच जाते हैं। इस समय वो अपना करियर सिलेक्ट कर चुके होते हैं और साथ ही साथ पेरेंटहुड भी कई व्यक्तियों में पेरेंटहुड की कंडीशन भी आ जाती है, तो वो बच्चों का पालन पोषण और किस तरीके से अपने करियर को चलाना है ये सारी चीजें उनके साथ एडजस्ट करने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे होते हैं और अपनी प्रायोरिटीज भी क्लियर कर लेते हैं कि कौन सी चीज उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है मिडिल एडल्टहुड, यानी कि मध्य वयस्क अवस्था। इसको हमने रफली कैटेगराइज करा है 40 से 65 ईयर्स ऑफ एज, और ये वो
एज है जबकि शारीरिक परिवर्तन हो रहे होते हैं, फोकस इज ऑन पेरेंटिंग। अभी तक जो एक ओरिएंटेशन थी अर्ली एडल्टहुड में व्यक्ति की स्वयं के प्रति थी, लेकिन इस समय व्यक्ति पेरेंट्स बन चुके होते हैं और अब बच्चों का पालन पोषण, उनके करियर और उनकी भविष्य की चिंता व्यक्तियों के लिए प्रमुख हो जाता है। बायोलॉजिकल चेंजेस की यदि देखें तो फीमेल्स में फर्टिलिटी एंड हो जाती है, जो उनकी प्रजनन क्षमता है वो मेनोपॉज की तरफ बढ़ जाती हैं, और साथ ही दोनों लिंगों के व्यक्तियों में, पुरुषों महिलाओं दोनों में ही शारीरिक एजिंग जो है, फिजिकल एजिंग जो है वो शुरू हो जाती है। इसके अलावा जैसा हमने पिछली बार ये देखा था कि अभी तक अर्ली एडल्टहुड में जो है लाइफस्टाइल का बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा होता, लेकिन मिडिल एडल्टहुड में ये प्रभाव दिखाई देने लगता है। और हेल्दी लाइफस्टाइल यदि व्यक्ति का रहा है तो एक हेल्दी ईयर्स वो लोग बिताएंगे और उनको किसी प्रकार की बीमारी नहीं होगी, लेकिन यदि अनहेल्दी लाइफस्टाइल रहा है तो उस तरीके उससे होने वाली समस्याएं इस समय दिखाई देने पर लग जाती हैं। और साथ ही मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो लिमिटेड हो जाती है। जो मिडिल एडल्ट व्यक्ति हैं वो नई चीज़ें सीखने में थोड़ा सा कठिनाई का अनुभव करते हैं और वो आसानी से अपनी आदतें नहीं बदल सकते, यानी कि जो एक उनमें मानसिक अनम्यता का गुण देखने में आता है वो जल्दी से चेंज नहीं होते, अपनी मानसिकता को मोल्ड नहीं करते, परिवर्तित नहीं करते। जहाँ तक बात करें फिजिकल चेंजेस की, तो फिजिकल डिक्लाइन शुरू हो जाता है, शारीरिक क्षमताओं में कमी आना शुरू हो जाता है, और ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है व्यक्तियों के लाइफस्टाइल पर, किस तरीके का जीवन वो अभी तक बिताते आए हैं। और 30 साल की उम्र के बाद से ये माना जाता है कि शारीरिक क्षमता कम होने लग जाती है। और फीमेल्स में, जैसा मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि फीमेल्स में मेनोपॉज शुरू हो जाता है, जो 40 इयर्स की उम्र के बाद से कभी भी हो सकता है, और 50 इयर्स तक की एज आते आते उसके लक्षण महिलाओं में देखने में आते हैं। ये वो समय है जबकि आगे के जीवन के लिए सावधानी बरतनी काफ़ी है, काफ़ी जरूरी हो जाती है, क्योंकि इस समय व्यक्ति यदि उसका लाइफस्टाइल ठीक नहीं रहा है तो कई प्रकार की बीमारियों से घिरने लगता है। और लाइफस्टाइल ठीक होने पर भी, क्योंकि शारीरिक क्षमताओं में ह्रास होने लगा है, आपके जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं वो स्लो डाउन होने लगे हैं, तो कई प्रकार के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं देखने में आती हैं। जहाँ तक बात करें कॉग्निटिव चेंजेस की, तो व्यक्ति अभी भी फॉर्मल ऑपरेशंस वाली स्टेज में होता है, वो जहाँ अर्ली एडल्टहुड में जहाँ तक पहुँच चुकी होती है उसकी बौद्धिक क्षमता, वो वहीं पर स्टिक होता है। इस समय उसे नई चीज़ें सीखने में कठिनाई का अनुभव होता है और नई नॉलेज को सिचुएशन में अप्लाई करने में उसको आसानी होती है। जो उसे पहले से पता है उस चीज़ को तो वह आसानी से अप्लाई कर सकता है, लेकिन नई इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने और नई चीज़ें लाइफ में अप्लाई करने में उसे डिफ़िकल्टी का अनुभव होता है। और ये वाले एज ग्रुप के जो व्यक्ति हैं वो समस्याओं को, जो स्ट्रेस उनके सामने आती है उनको काफ़ी आसानी से सुलझा पाते हैं, उनका सामना आसानी से कर पाते हैं, क्योंकि उनको कई सालों का अनुभव रहता है इस फील्ड में। लेकिन ये बात तो है कि वो यदि वो अपने ब्रेन का यूज़ नहीं कर रहे हैं तो इट मे बिकम मेंटल रिजिड। जो व्यक्ति पढ़ते रहते हैं, जो प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हैं या जो किसी भी तरीके की मेंटल एक्सरसाइजेस में लगे रहते हैं, उनको बाद की आयु में मस्तिष्क संबंधी बीमारियां या स्मृति संबंधी बीमारियां कम देखने में आती हैं। अब बात आती है मिडिल एडल्टहुड में होने वाले सोशल चेंजेस की। ये वो समय है जब वयस्कों के लिए
उनके दोस्तों का समूह ज्यादा इम्पोर्टेंट होने लग जाता है, क्योंकि उनके बच्चे अपनी फैमिली के साथ हो सकता है बाहर निकल जाएं जॉब की वजह से या किसी भी वजह से, और उनके अपने माता पिता उनके अपने माता पिता की मृत्यु हो चुकी होती है आयु हो जाने के कारण। तो अब उनके परिवार में स्पाउस के अलावा कोई नहीं होता, और कई बार स्पाउस भी नहीं होता तो पीयर ग्रुप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और यदि स्पाउस जीवित है तो मैरिज जो है वो एम्प्टी नेस्ट होने की वजह से, जैसे चिड़िया का घोंसला खाली होने के बाद उसके पास अपने पेयर के अलावा कोई नहीं होता, तो मैरिज इस समय बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। मेक ऑफ ब्रेक पॉइंट, मतलब किसी भी तरीके के तनाव जो हैं वो इस समय ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाते हैं। फिर बात आती है डेवलपमेंटल टास्क की। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि इस समय जो व्यक्ति है वो जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन फेज में होता है। वो उसे यदि उसने समाज को कुछ दिया है और ये चीज़ वो रियलाइज कर रहा है एकेडमिकली, आर्टिस्टिकली और सोशली, उसने जो उसके जो गोल्स थे, जो लक्ष्य थे, वो प्राप्त कर चुका है, तो उसमें सेंस ऑफ पर्पस आता है। और यदि उसे ऐसा लगता है कि मैंने तो कुछ भी प्राप्त नहीं करा, तो उसकी ये जो फीलिंग है सेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी और एस्टीम, वो कम हो जाती है, समाप्त हो जाती है। इस समय व्यक्तियों में मिडिल लाइफ क्राइसिस देखने में आता है। ऐसा क्यों होता है? मिडिल लाइफ क्राइसिस जब व्यक्ति अपने रूटीन और लाइफ, जो कि उसका अर्ली लाइफस्टाइल था, उससे मैचअप नहीं कर पाता। उसे लगता है पहले तो मैं ऐसा कर सकता था, अब मेरे साथ तो कोई भी नहीं है। वजह कुछ भी हो सकती है, उसका रिटायरमेंट भी हो सकता है, फैमिली में बच्चों का बाहर जाना भी हो सकता है, तो उसमें मिडिल लाइफ क्राइसिस जो है वो देखने में आता है। अर्ली एडल्टहुड में क्या होता है, सारी चीज़ें पॉजिटिव पॉजिटिव साइड होती हैं, फैमिली बढ़ रही होती है, करियर में ग्रोथ होती है, मैरिज बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, मैरिज में आपकी फैमिली बढ़ रही होती है, कई लोगों से आप कांटेक्ट में आते हैं। लेकिन मिडिल एडल्टहुड में क्या होता है कि फोकस इंडिविजुअल की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब बच्चे उन पर डिपेंडेंट नहीं होते, अपनी अलग फैमिली में बिजी हो जाते हैं, कैरियर स्टेबल हो जाता है, उसमें कुछ हैपनिंग नहीं होता, जैसा चल रहा है वैसा चलता रहेगा। एक समय के बाद कई बार ऐसा भी होता है कि डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है या बोर होना शुरू हो जाता है, या कहिए कि अब आपको रूटीन काम ही करना है, आपको कुछ नया एडवेंचरस करने को नहीं मिलता। मैरिज अब स्पाउस सेंटर्ड हो जाती है। इसके अलावा शारीरिक क्षमताएं कम होने की वजह से इनसिक्योरिटी आने लग जाती है, मैं तो बूढ़ा हो रहा हूँ वाली फीलिंग आने लग जाती है, और व्यक्ति जो है एक तनाव का अनुभव भी करने लग जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि इस प्रकार के तनाव को सुलझाने के लिए क्या किया जा सकता है। कीपिंग द पिक्चर बिग इसका सॉल्यूशन है, कि यदि जो एडल्ट्स अपने हेल्दी रिलेशनशिप पे फोकस रखें और ये देखें कि हमारी वजह से बच्चे या दूसरे लोग सुखी हैं, तो उनको एक पॉजिटिव फीलिंग रहती है, एक अच्छी फीलिंग रहती है। इसके अलावा सोशल एक्टिविटीज़ में बिजी रहने से या मीनिंगफुल हॉबीज़ अपनाने से जो फीलिंग ऑफ स्टैग्नेंट एंड बोरिंग है वो कम हो जाती है। ये देखा गया है कि जो व्यक्ति बौद्धिक रूप से सक्रिय है वो खुश रहते हैं और हेल्दी रहते हैं। और एक और चीज़ जो मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि यदि अर्ली एडल्टहुड में आपका लाइफस्टाइल अच्छा रहा है, तो एक अच्छी हेल्थ के साथ एजिंग की प्रोसेस चलती है, बाद के जीवन में होने वाली कठिनाइयाँ कम रहती हैं। तो आज का हमारा ये लेक्चर यहीं तक। थैंक यू।